जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। तो आप सभी लोगों को सीताराम। मैं आपको बता रही हूँ कि आज अर्जी घर से कैसे लगाई जाती है। बहुत लोगों ने मुझसे मैसेज में और कमेंट में पूछा है कि हमें घर से अर्जी लगानी है, तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि उसके लिए क्या विधि करनी है और उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को घर से अर्जी कैसे लगाई जाती है वो पूरी डिटेल बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें नारियल चाहिए। ये वो नारियल है जो जिसके अंदर पानी रहता है, ये पानी वाला नारियल है। और ये देखिए, इसमें ऐसे रेसे होने चाहिए, एकदम सूखा नहीं होना चाहिए और इसमें पानी भरा होना चाहिए, चेक करके आप देख लीजिएगा। और ये है सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है उनके चोले पे, ये वो सिंदूर है। और ये 5 लौंग, और ये 5 लौंग हैं। तो हमें ये सारी सामग्री चाहिए। इसके बाद हमें ये लाल कपड़ा है, ये लाल कपड़ा हमें चाहिए जब हमें अपनी मनोकामना पूरी करनी है, हमें कोई परेशानी है, कोई कुछ भी, हमें अपनी मनोकामना के लिए कुछ भी बोलना है बाबा के आगे, सन्यासी बाबा के आगे, बालाजी के आगे, तो हमें ये लाल कपड़े में अपनी अर्जी बांधनी होती है। नारियल को हमें लाल कपड़े में बांधना होता है। और ये है काला कपड़ा। इस काले कपड़े में हमें अगर प्रेत बाधा है, कोई कष्ट है, कुछ खिलाया पिलाया है, जादू टोना है, तो हमें इस काले कपड़े में इस नारियल को बांधना होता है। और विधि यही रहती है, यही नारियल, यही सिंदूर, यही 5 लौंग। अगर हमें मनोकामना पूरी करनी है तो लाल कपड़े में, और अगर प्रेत बाधा है या कुछ खिलाया पिलाया, जादू तंत्र मंत्र, उसके लिए हमें काले कपड़े में, और ये सब सामग्री उसमें होनी चाहिए। और ये है पीला कपड़ा। ये पीला कपड़ा है शादी के लिए, जिनकी शादी में रुकावट हो रही है, या जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की शादी में भी परेशानी है, शादी होते होते टूट जा रही है या सगाई होते होते टूट जा रही है, या कुछ कोई भी रुकावट उनकी हो रही है, तो इस पीले कपड़े में आप इस नारियल को, जैसे आपने इस लाल कपड़े में मैंने बताया, वैसे ही आप इसमें भी बांध सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस नारियल में ये सिंदूर को हमें ऐसे लगाना है। ये सिंदूर लिया और हम इसको ऐसे, ये सिंदूर को ऐसे लगाना है। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, ये सिंदूर लगाया हमने पूरे नारियल में, ऐसे चारों तरफ से उसके ऐसे लगाएंगे, ऐसे और ऐसे। ये सिंदूर लगा लिया, उसके बाद हमने ये यहाँ पर ऐसे लाल कपड़ा बिछा लिया और ये हमने इसमें नारियल रख लिया, ठीक है। ये हमने रख के, और इसके अंदर ये 5 लौंग, ये 5 लौंग हमने ऐसे रखनी है। उसके बाद हमें नारियल को ऐसे बांध देना है। ये हमने नारियल बांध लिया, और नारियल बांधने के बाद हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी हम बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, जो भी हम उनको कहना चाहते हैं, ये हम ऐसे नारियल बांधेंगे। और इस नारियल को बांध के हम इसको पूजा घर में रखते हैं। और फिर जैसे आप ये अर्जी बांध लेंगे, ये नारियल आप बांध देंगे ऐसे, तो उसके बाद आप अपनी जो भी मनोकामना आपकी है वो आप 3 बार अपने मन में दोहरा करके सन्यासी बाबा को और बागेश्वर बालाजी को उनके चरणों में अपनी अर्जी रख देंगे, और 3 बार अपने मन में ये दोहराएंगे और बोलेंगे उसके बाद, सीताराम भगवान, हे बालाजी बागेश्वर, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो। ये अर्जी मैं आपको साक्षी मानकर लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, आप हमारी अर्जी सुनो, ये आपने बोलना है। उसके बाद आपने ये ऐसे रख के, कोई साफ़ सुथरी जगह में ऐसे रखने के बाद, अपने हाथ की दोनों मुट्ठियाँ ऐसे बांधनी है, और दोनों मुट्ठियाँ ऐसे बांधने के बाद आपने बोलना है मुट्ठियाँ बांध के, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हमारे दुख दूर करो, हमारे कष्ट दूर करो। हे बालाजी सरकार, हमारी दुखों को हरो। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को 3 बार आपने फिर से दोहराना है, एक बार नारियल पकड़ के, एक बार मुट्ठी बांध के। मुट्ठी बांध के आपको अपनी जो मनोकामना है, जो भी आप भगवान से कह रहे हैं, उनके चरणों में जो भी अर्जी लगा रहे हैं, वो आपने 3 बार बोलनी है। उसके बाद ये दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा अपने सर पे 7 बार घुमा के बालाजी के चरणों में ऐसे छोड़ देना है। और उसके बाद बाएं हाथ का उतारा एंटी क्लॉकवाइज अपने सर में घुमा करके ये भी बालाजी के चरणों में डाल देना है। ये भी आपने दोनों चीज़ें साथ साथ बार करनी है। आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में ये सब पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने ये नारियल हाथ में पकड़ के, और इसको आपने अपने पूजा घर में ऐसे
रख देना है, जहाँ पर भी आपको इनकी स्थापना करनी है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपने इनको रखना है, स्थापित करना है, उस जगह पर आपको ऐसे नारियल रख देना है। और आप देखेंगे कि आपकी नारियल बांधने के बाद से ही आपके घर में क्या परेशानी दूर हो रही है, क्या दिक्कतें दूर हो रही है, वो आपने देखनी है। और इसके नारियल बांधने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है, अर्जी बांधने के बाद जो सबसे पहला काम है वो है लहसुन प्याज मांस मदिरा फिर आपने छूना नहीं है। ये अर्जी तभी स्वीकार होगी जब आप मांस मदिरा और लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। अगर अगर आपने लहसुन प्याज खा लिया या फिर इन चीज़ों से आप दूर नहीं हो पाए तो आपकी अर्जी कभी भी स्वीकार नहीं होगी। और फिर अर्जी बदलने के बाद आपको धाम पे जाना होता है और अर्जी अर्जी ले ये जो अर्जी आपने बांधी है घर से, नारियल जो बांधा है आपने, ये आपको लेके जाना होता है, धाम पे लेके जाना होता है। और वहाँ आप जाएंगे धाम पे तो वहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों नारियल बंधे हुए होते हैं और वो नारियल आपने वहाँ जाके बांधना है। और जो आपने मनोकामना घर में बोली है, जो भी बात आपने घर में बोली है, वो बात आपको वहाँ दोहरानी है और मंदिर में ये बालाजी के चरणों में आपको ये अर्जी वहाँ बांधनी है। और उसके बाद जब अर्जी ये आपकी लग जाती है, और ये अर्जी आपको उस दिन लगानी है, मंगलवार के दिन लगानी है, और उस दिन लगानी है जिस दिन आपने सोमवार के दिन लहसुन प्याज नहीं खाया हो। अगर आपने कल अर्जी लगानी है तो आज रात से ही आपने लहसुन प्याज छोड़ देना है, अगर तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी। उसके बाद ये अर्जी लगने के बाद आपको जो माला होती है, माला के 108 माला के जाप करने होते हैं, और 108 जो माला है रुद्राक्ष की माला जो होती है उससे आपको जाप करना है। और मंत्र ओम बागेश्वराय नमः, ये मंत्र का 108 बार और 3 माला आप इसकी सुबह शाम कर सकते हैं, करनी ही है आपको, और सन्यासी बाबा को आपको याद करना ही है। और ये अर्जी बदने के बाद आप देखेंगे कि कितने दिन से या कितने दिनों में आपके घर में फायदा हो रहा है, क्या आपको तकलीफें आपकी दूर हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा आपको एक रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको अर्जी स्वीकार हो गई है। ये कैसे पता चलेगा? या तो आपको सपने में बंदर दिखाई देंगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार, 2 दिन लगातार भी दिखे तो आप समझ लीजिए आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और या फिर आपको सच में से बंदर दिखाई दे, 3 दिन अगर आपको सच में बंदर दिखाई देते हैं अपने घर के आसपास तो भी आपकी अर्जी स्वीकार मानी जाती है। और सपने में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है तो बोलते हैं कि अर्जी स्वीकार मानी जाती है, ये गुरुदेव ने बताया है, तो मैं उनकी बात आपको दोहरा रही हूँ आपके सामने। और ये मैंने आपको बता दिया कि अर्जी कैसे बांधते हैं। और इसके अलावा और कोई आपको सवाल करना है या प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको कमेंट में बताऊंगी या फिर नई वीडियो में आपको बताऊंगी। और जय सिया राम, जय बामेश्वर। जैसे मैंने घर से अर्जी बांध दी है, मैंने आप लोगों को बताया अर्जी कैसे बांधी जाती है और कैसे रखी जाती है। पूजा स्थल पर अर्जी मैंने रख दी है अपनी, नारियल रख दिया है। इसके बाद आपने ऐसे एक मिट्टी का दिया ले लेना है, आप चाहें तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं या फिर जो हवन कुंड आता है मार्केट में, छोटा सा हवन कुंड, वो भी ले सकते हैं। और ये जो है, ये हवन सामग्री जो मार्केट में बनी हुई आती है, ये वो हवन सामग्री है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है पहले से। और इस डिब्बी में मैंने चीनी और घी मिक्स करके पहले से बना के रखा हुआ है। और ये मैं जब भी यहाँ आहुति देनी होती है, मुझे सन्यासी बाबा के नाम की आहुति देनी है, ओम बागेश्वराय नमो, ये आहुति देनी है तो मैं इस ये यूज़ करती हूँ। तो आपको फिर क्या करना है, आहुति ऐसे देनी है, इन 3 उंगलियों से ये सामग्री जो है, ये और ये घी मिक्स करके, चीनी मिक्स करके, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ये 5 बार बोल के ऐसे लेके और ऐसे आहुति देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने और सन्यासी बाबा के नाम की 5 आहुति देनी है। उसके लिए आपने बोलना है ओम श्री सद्गुरु सन्यासी बाबा नमः स्वाहा, ये दोनों मंत्र आपने बोलने हैं 5 5 बार, और 5 5 बार ये ऐसे आहुति ऐसे देनी है। इसमें आप कपूर मिला सकते हैं, कपूर के ऊपर थोड़ा कपूर की टिक्की रख के उसके ऊपर आप घी और चीनी डालेंगे तो फिर उसमें अच्छे से आहुति आप दे सकते हैं, उसमें अच्छे से जो आग जो है वो अच्छे से पकड़ लेगी और आप अच्छे से आहुति आहुति दे सकते हैं, ये आहुति है। उसके बाद आपने ऐसी एक माला लेनी है, ये जो माला है ऐसे लेनी है, और ये आपने जाप करना है। जिस दिन से आपने अर्जी बांधी हुई है उस दिन से आपको
माला जाप करनी होती है, उनके नाम का जाप करना होता है। तो जैसे ये माला है, आपको पहले माला कैसे पकड़ी जाती है और माला को कैसे जाप किया जाता है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ से ये इसको बोलते हैं सुमेरु। ये जो एक इसमें 109 दाने होते हैं, ये रुद्राक्ष के माला है, इसमें 109 दाने, ये जो होता है ये पीला जो बंधा हुआ है ऊपर, इसको सुमेरु बोलते हैं। ये है 109 वाला दाना। और यहाँ से जैसे हम माला शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे जैसे हम ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, यहाँ से करते हुए जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ से हमको, यहाँ पहुँचने के बाद हमको इसको लागना नहीं होता है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना होता है, यहाँ से फिर इसको सुमेरु से घुमा के इसको यहीं से टर्न करना होता है वापस। ऐसे यहाँ पहुँच गए ना, फिर हम जैसे यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद जैसे हम ये पहुँच गए ना यहाँ, तो हमको फिर ये यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, यहाँ से ये सुमेरु को ऐसे घुमा के यहीं से टर्न करके वापस जाए। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर माला हमारी ख़त्म होती है वहाँ से हमको इसको घुमा के फिर वहीं से शुरू करनी होती है। ये है ना, यहाँ पर जैसे माला, ये माला जब ख़त्म होती है तो यहाँ ख़त्म होती है, तो इसको यहाँ से घुमा के ऐसे करेंगे, 108 बार ऐसे माला कर लेंगे। बाकी आप लोग को कुछ पूछना है तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ये हमने माला करनी है, और ये ओम बागेश्वराय नमः हो 108 बार, तीन माला हमको करनी है। और एक मंत्र जो है वो गुरुदेव ने अभी बताया है हमें, कि सन्यासी बाबा ने उनको बताया है नया मंत्र, वो आप इसको कर सकते हैं। जैसे माला में 108 बार करेंगे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तत तुम पाही। इस मंत्र का 108 बार आपने ये माला करनी है, तीन माला आपको करनी है, 108 की तीन माला, या एक माला भी कर सकते हैं, तीन माला या फिर एक माला, वो अपने आप देख सकते हैं कि आपको कैसे करनी है। और माला कैसे, अब एक बार और बताती हूँ, माला जो होती है वो आपको, ये माला ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे 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 नहीं पकड़ना होता है माला के लिए, सिर्फ ये जो तीन अंगुलियाँ होती हैं हमें ये यूज़ करनी होती है, ये जो दो अंगुलियाँ या शुद्ध मानी जाती हैं, ये जो दो है, ये सेकेंड नंबर की और ये फिफ्थ नंबर की, ये अंगुलियों से माला, इसमें टच नहीं करना होता है माला को, ऐसे करके ये पकड़ना है और ये है ऐसे ऐसे, ये ऐसे रहता है, ऐसे करके माला करनी होती है। अगर आपने ये कर लिया तो ये माला अशुद्ध मानी जाती है, इस ये माला आपकी मानी ही नहीं जाएगी, ये ऐसे माला की जाती है ऐसे। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी सही तरीका है, ऐसे या फिर ऐसे ऐसे, ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन बस ये और ये टच नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे माला करेंगे और यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर ख़त्म होता है तो यहीं से आप इसको घुमा लेंगे, ठीक है। और आप बाकी आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको अगला जो वीडियो अपना बनाऊंगी, वो भी मुझसे काफ़ी लोगों ने मैसेज में पूछा है कि पूजा कैसे करनी है, बागेश्वर बालाजी की पूजा विधि आप हमें बताइए, या फिर गुरुदेव की पूजा विधि, या फिर कैसे सारी चीज़ें करते हैं वो आप हमें बताइए। तो इसका जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो यही कि मैं अपने गुरुदेव की पूजा कैसे करती हूँ और कैसे अपने बालाजी की मैं पूजा करती हूँ, सवेरे उठ के जो भी मैं स्नान आदि जो करवाती हूँ कैसे करवाती हूँ वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।